जय हिंद, सभी को नमस्कार। और सुबह का ये पहला वीडियो, और ये वीडियो वैलिड कह लीजिए या इस वीडियो की उपयोगिता आप केवल 1 बजे तक ले सकते हैं, 31 दिसंबर 1 PM तक। फिर से मैं कह दूं, 31 दिसंबर 1 PM तक 1 बजे तक इस वीडियो का और इस सूचना का आप लाभ ले सकते हैं, यदि आपका संबंध दिल्ली विश्वविद्यालय के PhD के इंटरव्यू के संबंध में इस विभाग से है। विभाग का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के बच्चे PhD के खास कर ध्यान दें, क्योंकि 2 नोटिफिकेशन आए थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो PhD इंटरव्यू की श्रृंखला मैंने चालू कर रखी है, उस कड़ी के 3रे नंबर के वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैंने नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिटेल में मैंने समझाया था। क्योंकि जो नया अपडेट आया है आज की डेट में, 31 दिसंबर की सुबह ही अपडेट आया है, और 4 घंटे के लिए ही इस नोटिफिकेशन का फायदा है। सुबह 9 बजे अपडेट आया है और दोपहर 1 बजे तक आप इसका लाभ ले सकते हैं। क्या है अपडेट और किसके लिए बहुत ज़रूरी है, और जो इस सूचना से रह जाएगा महरूम, हो सकता है इंटरव्यू भी ना दे सके। नोटिफिकेशन यह कहता है कि 28 दिसंबर के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग दिल्ली विश्वविद्यालय के इस बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने अपडेट का ऑप्शन ओपन कर दिया था दोबारा से। जिन बच्चों का नेट क्वालिफाई हुआ है, JRF क्वालिफाई हुआ, या किसी प्रकार की कोई NEL है, यानी कि नेशनल लेवल की कोई स्कॉलरशिप पास की है या प्राप्त की है, इस बात को क्लियर कट समझ लीजिए। और साथ ही साथ जिन लोगों ने DBT, JRF, ICMR, JRF या किसी प्रकार का, और गेट इस बीच में है, गेट के अंदर खासकर 91% वालों को ये यदि परीक्षाएं पास की हैं, ये यदि छात्रवृत्ति के लिए आप क्वालिफाई हो, तो इन सब का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र आ चुका था। उसको अपडेट करने का, अपलोड करने के लिए 29 दिसंबर शाम 5 बजे तक का समय दिया था। लेकिन जिन लोगों के पास ऑलरेडी ये चीज़ें पहले से थी, उन लोगों की सूची एंड और इंटरव्यू के लिए जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था PhD के लिए, 28 दिसंबर के नोटिफिकेशन में स्पष्ट करके वह सूचनाएं डाल दी थी। 28 दिसंबर का वह नोटिफिकेशन, जिसके आधार पर मैंने आपको वीडियो बनाकर दिया था और आपने उसको देखा भी होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, और यदि नहीं देखा होगा तो ज़रूर उसको ध्यान से देख लीजिएगा। 28 दिसंबर का ही वह नोटिफिकेशन है, 28 दिसंबर का ही वीडियो है। उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो 28 दिसंबर को आया था, केवल 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था इंटरव्यू के लिए। ध्यान से सुनिए चीज़ों को, और थोड़ा कंफ्यूज होंगे तो सवाल करिएगा। 28 दिसंबर को PhD इंटरव्यू इन बायोकेमिस्ट्री के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय का जो नोटिफिकेशन आया था, उसके अकॉर्डिंग 5 ही बच्चे सिलेक्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए, जिसमें से 2 3 जर्नल के बच्चे थे, 1 EWS का था, 1 OBC नॉन क्रिमिलियर का था। लेकिन जब ये अपडेट का ऑप्शन आया 29 दिसंबर शाम 5 बजे तक का, किसे अपडेट करना है, क्यों अपडेट करना है, अपडेट के फायदे और नुकसान क्या होंगे, ये चारों चीज मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू की श्रृंखला में जो वीडियो बनाए थे, उसमें एक वीडियो मैंने अलग से बनाया था डिटेल में, कि क्यों अपडेट करना है, किसे अपडेट करना है, इसका लाभ किसको होगा। यदि आप इसका लाभ लेना चाहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री से संबंध रखते हैं, तो उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। सब्जेक्ट उसमें आपका नहीं है, लेकिन अपडेट क्यों करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, वह मैंने आपको बताया है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों उसके पक्ष को, इसको समझ लीजिए। अब आते हैं आज के नोटिफिकेशन पे। इस नोटिफिकेशन में खास क्या है, 28 दिसंबर के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जिन 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, उसके अतिरिक्त भी और नए बच्चों की सूची आई है, और जो नए बच्चों की सूची आई है उसके अंदर 113 नए नाम हैं। 113 नए बच्चों का सिलेक्शन हुआ है PhD बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में इंटरव्यू के लिए, जो कि 1 जनवरी से होने वाला है। यदि आपने भी किसी प्रकार की कोई प्रतियोगी परीक्षा या नेट JRF पास किया है और आप उसका लाभ लेना चाहते हैं, क्योंकि PhD हो या MPhil हो, दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ बच्चों को एग्जामटेड रखा जाता है, और ये एग्जामटेड वाले बच्चों के लिए सुनहरा मौका है कि जब आपने अप्लाई किया होगा मई और जून 2020 में PhD के लिए, तब हो सकता था आपका कोई फेलोशिप, स्कॉलरशिप, नेट JRF ना हुआ हो। लेकिन December 1st week में नेट JRF का रिजल्ट आ चुका था और आप में से बहुत ने क्वालिफाई भी किया होगा, इसीलिए आप यदि अपना वह सर्टिफिकेट उसका प्रमाण लगा देते हैं, अटैच कर देते हैं, तब आप भी एग्जामटेड
हो जाएंगे और एग्जामिनेटेड माने जाएंगे और आपका चयन इंटरव्यू की सूची में आ जाएगा। इस बात का विशेष रूप से सभी बच्चे ध्यान दें किसी भी पाठ्यक्रम के। लेकिन 31 दिसंबर दोपहर 1 बजे तक ही आप अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि रात का समय इसलिए नहीं दिया है क्योंकि 31 दिसंबर को 1 बजे तक आप अपना अपलोड करके भेजेंगे और शाम 5 बजे तक आपकी लिस्ट बन के वेबसाइट पर आ जाएगी। 5 बजे के बाद 5 से 6 हो सकता है ऑफिशियल, क्योंकि अपडेट भी करनी है, लिस्ट अपलोड भी करनी है। इसीलिए दोपहर 1 बजे तक का समय दिया है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 11 बज रहे हैं, अपलोड कर दूंगा 11:30 बजे तक। आप इसको देख लीजिए, 1.5 घंटे का समय है और मैं चाहता हूँ 1.5 घंटे में कम से कम 50 नाम और शामिल हो जाए इस लिस्ट में, क्योंकि अभी 117 लोगों का नाम है लिस्ट में जो आज सुबह आई है 31 दिसंबर को, और 31 दिसंबर की शाम तक मैं चाहता हूं ये लिस्ट 113 से 150 180 तक पहुंच जाए। इसीलिए कम से कम इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और अपडेट कैसे करना है, किन किन चीज़ों को अपडेट करना है वह भी मैंने वीडियो नंबर 3 में बताया था, उसका लिंक नीचे दे दूंगा। अपडेट के फायदे और नुकसान क्या है उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। बायोकेमिस्ट्री का पहले वाला वीडियो पार्ट 3 वाला, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, और दोनों ही नोटिफिकेशन के अलग अलग लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। और साथ ही साथ एक और चीज़, 28 दिसंबर का नोटिफिकेशन पढ़िएगा और उसमें नाम देखिएगा किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और जो 31 दिसंबर को लिस्ट आई है, नोटिफिकेशन आया, उसमें बच्चों का नाम देखिए। आपको उन 5 बच्चों के नाम भी मिलेंगे जो उसमें थे और नए बच्चों के नाम भी मिलेंगे, ठीक है। नाम बता देता हूँ जो 28 दिसंबर को आए थे, मुस्कान वर्मा, आलिया हसीम, मोइन तिवारी, सौरभ और दीप्ति कुमारी। इन 5 बच्चों के अतिरिक्त और भी 116, 114 और 13 नाम है जो नए हैं, कि कोई ये नाम इसीलिए सिलेक्ट हुए हैं कि इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया और अपडेट किया, नेट JRF के सर्टिफिकेट लगाए, कोई नेशनल लेवल की स्कॉलरशिप प्राप्त की थी उसका प्रमाण लगाया, इसीलिए इनको एग्जामिनेट किया गया इंटरव्यू के लिए PhD बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए। यदि आप भी इसका लाभ लेना चाहते हैं तो 31 दिसंबर दोपहर 1 बजे तक अपनी चीज़ों को अपडेट कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए। जो आज का नोटिफिकेशन आया है उसके अंतर्गत साफ साफ क्लियर कट कहा गया है पेज नंबर 4 पे, लास्ट के सेकंड लास्ट पॉइंट पे, कि 31 दिसंबर दोपहर 1 बजे तक ही आपके जो डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वह वैलिड माने जाएंगे। उस समय के बाद में 1 बजकर यदि 1 मिनट भी होता है यदि आपने अपलोड किया है, क्योंकि तकनीक इतनी हाई है कि आपके एक एक सेकंड के भी 1/10 का हिसाब किताब रखती है, इतनी हाई टेक्नोलॉजी हो गई है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमने 1:05 पे अपलोड किया था ये उसका स्क्रीनशॉट। टेक्नोलॉजी जहां से हैंडल होती है, कवर होती है, और जिस सॉफ्टवेयर का भी अलग टाइमिंग होता है, शेड्यूल होता है, जब आप कभी थोड़ा एल्गोरिथम को समझेंगे तब आप चीज़ों को बारीकी से समझ पाएंगे। और कोई क्वायरीज है, कोई जानकारी है कि आपने अपलोड कर दिया था, अपलोड पहले कर दिया लेकिन आपका नाम नहीं आया है लिस्ट में, तो उस क्वायरीज के लिए आज के नोटिफिकेशन में ईमेल आईडी भी दी है HOD की, ठीक है ना, उनको आप मेल भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। और किसको अपडेट करना है वह सब इस नोटिफिकेशन में दिया है, कौन सी प्रवेश परीक्षा पास होनी चाहिए, कितने नंबर पे, और आपका नाम हो सकता है फिर आज रात्रि में या कल सुबह की जो लिस्ट आएगी उसमें अपडेट करके आ जाए, क्योंकि 1 जनवरी से इंटरव्यू स्टार्ट है PhD इन बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के। यह था छोटा सा अपडेट, और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बच्चे भी अपनी चीज़ों को अपडेट कर लीजिएगा, उनका भी नया नोटिफिकेशन आया है इंटरव्यू के लिए, उसका वीडियो अपलोड हो गया है, उसको देख लीजिएगा। तो यह छोटा सा वीडियो, सूचना थोड़ी अटपटी लगी होगी इसलिए वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, और यदि नहीं इसको समझ पाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, हो सकता है आप वंचित हो जाए PhD बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए जो 1 जनवरी 2021 से होने वाला है। आप सभी को सलाम, आप सभी को मेरा तहे दिल से प्रणाम और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैसेज कॉल मत करिएगा, अच्छा नहीं लगता है, जैसे मैंने दिया है आप भी कमेंट करके मुबारकबाद दे दीजिएगा अपनों को, हो जाएगा क्योंकि लोगों पे इतना समय नहीं है हर चीज़ का रिप्लाई कर सकें। धन्यवाद।